और आबाजी की एक विशेषता थी, जो भी काम करते थे वो उत्कृष्ट ही करना, ऐसा कटाक्ष था। किसी से करवाते थे, कोई कर रहा है देखते थे तो उसको भी उत्कृष्टता के नीचे कुछ भी स्वीकार न करने की सलाह देते और स्वयं वैसा करते थे। इस अस्पताल में पहले से यह प्रण किया है टीम ने कि सबसे उत्तम जो उपलब्ध है वो रुग्णों को मिलना चाहिए। खर्चे का काम है लेकिन वो खर्चा लेकर भी करना है। गरीब रुग्णों की चिकित्सा निःशुल्क करनी है अथवा बहुत कम शुल्क में करनी है, लेकिन वो सारा खर्चा लेकर करना है, उत्कृष्ट ही करना है, उत्कृष्ट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना। और ये जो काम करते समय टीम वर्क का परिचय दिया है उसका भी काम है, क्योंकि अभी तो ये ऐसा खड़ा हुआ है, ये आगे चलेगा, चलना चाहिए उसी प्रकार चलना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। चलता तब रहता है जब एक के बाद एक टीमें उसको संभालती रहती कालांतर में, और जो लोग एक टीम बनकर काम करना जानते हैं वो काम करते करते लोगों का सहयोग लेना और सहयोग में से सहयोगियों को खड़ा करना ये भी जानते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जिस वृत्ति से इसको खड़ा किया गया है उसी वृत्ति से यह अस्पताल आगे तक चलता रहेगा। चलते रहने की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य ये एक मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा ये भी मूलभूत आवश्यकता है, और समाज उसके बारे में अब शिक्षित हुआ है, इसलिए सब लोग स्वास्थ्य और शिक्षा चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो करना है वो शासन प्रशासन तो कर रहा है, परंतु अकेले उनके करने से ये गोवर्धन उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है, 148 करोड़ के समाज की आवश्यकता है। और इसलिए समाज की ओर से प्रयास खड़े होने चाहिए, जैसे ये एनसीआई खड़ा हुआ है।